जैलदार पार किचरा का ये घर मौलाना की मलकियत थी या जमात इस्लामी की मलकियत थी, इस पर झगड़ा किस बात का? अब तो ये जमात इस्लामी के पास है। अदालत में जमात के वकील ने कहा कि ये तो प्रॉपर्टी मौलाना मौदूदी की नहीं है, ये झगड़ा किस बात पे हमसे कर इनसे जमात से कर रहे हैं, ये तो जमात की प्रॉपर्टी, एक्चुअली ये जमात की प्रॉपर्टी नहीं, ये एक दारुसलाम ट्रस्ट बनाया गया था, उसने ये खरीदा। नहीं, हरगिज से ये जमात इस्लामी ने कब्जा नहीं किया, ये तो उनकी तफसीम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सब भाई उसमें शामिल थे कि जी हम इसको वक्त करेंगे। ये अब इनकी लाइब्रेरी और दफ्तर था, इन किताबों में से उनकी कोई किताब नहीं है लाइब्रेरी की। अच्छा, ये सब बाद में इन्होंने रख दिए सजाने के लिए। वो कहीं कहाँ गई उनकी लाइब्रेरी? वो गायब हो गई कुछ अर्से के लिए। किताबें जहाँ से रिमूव इसलिए की गई थी कि जीमक लग रही थी, वो ज़ाया हो रही थी, तो उनको ट्रीटमेंट करवाया गया है, उनका सारा उसको प्रिजर्व किया गया है और वो सारी किताबें वापस मौजूद है। यहाँ एक किताब भी इधर से उधर नहीं। क्या ये सच है कि मौलाना मौदूदी के आखिरी दिनों में उनके और जमात इस्लामी के अंदर कुछ फासला पैदा हो गया? जियाउल्लाह के साथ जमात का जाना उनके मुताबिक ठीक नहीं था, उन्होंने जमात को मना किया। वो हमेशा से डिक्टेटर के खिलाफ रहे, सारी उम्र उन्होंने जद्दोजहद की, इस बात की वो किस तरह हिमायत कर सकते थे। देखिए एक दिन जियो के साथ इतवार शाम 7:05 सिर्फ जियो न्यूज़ पर।